और ये फिश फिश ये भी दो आपको पलाव का चाहिए ना जी? पलाव का वीडियो चाहिए ना? पलाव काम भी तो करना ही है ना। तो दाऊद भाई ये रोज़ का मामूल है आपका, सुबह 6:30 बजे उठ के और फिर काम में लग जाना। शाम में कब तक, शाम में कब तक करते हैं? 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक। बहुत बड़ी बात है भाई, एक बंदा सुबह 6 बजे लगे और रात 2 बजे तक काम करें। हिम्मत है भाई आपकी। जब ब्राउन होने के बाद आएगा गोश्त। अच्छा आपने घी कितना डाला था उसमें? 11 किलो घी डाला था। और ये प्याज कितने किलो डाली आपने? 7 किलो प्याज। 11 किलो घी में 7 किलो प्याज। और अभी गोश्त कितना डालेंगे आप इसमें? 40 किलो गोश्त माशाल्लाह। ये प्याज ब्राउन हो गई है।
नमक भी आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मतलब आमतौर पे लोग यूज़ ही करते हैं अच्छी क्वालिटी का। अच्छा, इसमें आप गर्म पानी क्यों डाल रहे हैं? अगर सादा डाल दें, सादा पानी डालोगे तो अगर गर्म चीज के ऊपर ठंडा चीज डालोगे तो वो सख्त हो जाएगा। सही, गोश्त जो है वो सख्त हो जाएगा। अच्छा, तो गलने में भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ये वही टेक्निकल बात है। ये पानी ऐड किया जा रहा जी, बताया उन्होंने भाई ने। ठीक है, उबला हुआ पानी डाल रहे हैं। अच्छा, एक घंटे तक ये दम पे रहेगा। अच्छा, पानी कितना डाला आपने? अच्छा, चावल के एक मुकदार। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी एक घंटा दम पे रहेगा, उसके बाद खोलेंगे इसे दोबारा। एक घंटा ये दम पे रहेगा।
इसकी यखनी डाली आपने जी, यखनी डाली अभी साफ सुथरी गाजर और किशमिश है, और ये किशमिश है, किशमिश की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, गाजर और किशमिश बहुत अच्छी क्वालिटी की है, साफ सुथरी बुली हुई। ये गाजर कितनी है इसमें? दो किलो गाजर। और ये किशमिश ये भी दो किलो। इसको दबा देंगे सारे। ये क्या चीज़ है? जीरा पाउडर। सुराख करने से क्या होता है? बाप निकाल, बाप निकाल, बाप निकाल। ये भी जरूरी है, ये भी एक टिफिन है। अभी इसको दम पे दे देंगे। अभी कितनी देर दम देंगे इसको? 12 बजे। अच्छा, 12 बजे तक। एक घंटा और, एक घंटा 45 मिनट। Thank you.
तो दोस्तों काबली पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि गोश्त कितना अच्छा गला है, एक एक बोटी कितनी नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट मलाई की तरह, और चावल का दाना आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अलग अलग चावल है बिखरा हुआ, बहुत ही टेम्पटेटिंग लग रहा है, बहुत लजीज लग रहा है। अब इसको चेक करते हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त बेहतरीन काबली पुलाव, जो खाने के काबिल है। आप भी आएँ, चेक करें, आपको बहुत मज़ा आएगा।